सरोकार। पीएम मोदी 16 फरवरी को आदि महोत्सव का करेंगे उद्घाटन, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में होगा आयोजन। पूर्वोत्तर के विद्यार्थी समूह से मिले सीएम योगी, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में अब सच हो रहे सपने। सरकारी कर्मचारियों को ममता सरकार की बड़ी सौगात, डीए में किया 3% का इजाफा। एयरो इंडिया में पहुंचे सीडीएस अनिल चौहान, रक्षा क्षेत्र में उच्च दर्जे के रिसर्च का किया आह्वान। वनडे टी20 के बाद टेस्ट में भी नंबर वन बनी टीम इंडिया, आईसीसी ने जारी की ताजा रैंकिंग। श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है। वहीं आगरा के आरबीएस कॉलेज के सभागार में कैबिनेट मंत्री निकाय चुनाव प्रभारी स्वतंत्र देव सिंह ने पदाधिकारियों के साथ बैठक की और कार्यकर्ताओं को जन जन तक बीजेपी की उपलब्धि बताने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कार्यकर्ताओं की तारीफ भी की। बता दें कि 15 अप्रैल के करीब निकाय चुनाव हो सकते हैं। 18 साल के जो है, चाहे 25,000 जो है, चाहे 40,000, उन सभी कार्यकर्ताओं में एक कार्यकर्ता कल का मेरा जिला अध्यक्ष विधायक का बनने का। भारतीय जनता की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी है पूर्व तैयारी और पूर्ण तैयारी के साथ। पूर्व तैयारी और पूर्ण तैयारी के साथ चुनाव में नहीं, जनता की सेवा में, चुनाव में अपना काम जनता जनार्दन सेवा की संकल्प के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। निकाय चुनाव हो या कोई भी आम चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा तत्परता से तैयार रहता है भारतीय जनता पार्टी का परचम निकाय चुनाव में फहराने के लिए, विधानसभाओं में फहराने के लिए और लोकसभाओं में। निश्चित तौर पर ऐसे कार्यकर्ता जो कार्यकर्ता से नेता बने हों, जिन्होंने कार्यकर्ता के रूप में अनेकों कार्यकर्ता का निर्माण किया है, ऐसे हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के यशस्वी जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह हमारे प्रभारी हैं। और आप निश्चित तौर पर मानिए, जब कप्तान जितना मुख्तैद होता है, टीम उतनी ही चुस्त दुरुस्त होती है। और कप्तान के रूप में, स्वतंत्र प्रभारी के रूप में, निश्चित तौर पर एक अभूतपूर्व सफलता आपको देखने को मिलेगी जब निकाय चुनाव संपन्न होकर भारतीय जनता पार्टी का परचम पुनः आगरा के नगर निगम पर फहरेगा। खबर कासगंज से है, जहां पर विधायक अब्बास अंसारी को चित्रकूट जेल से जनपद कासगंज जेल स्थानांतरित किया गया, जिसके बाद अब्बास अंसारी ने से उनकी पत्नी जेल में अवैध तरीके से मुलाकात करने गई थी। इस मामले में 7 जेल कर्मियों को निलंबित किया गया था, जबकि जेल अधीक्षक और अपर जेल अधीक्षक समेत अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं जेल परिषद के गेट के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यूपी के हमीरपुर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार वैलेंटाइन डे के दिन जब प्रेमिका मिलने नहीं आई, तो सनकी आशिक ने कथित रूप से अपने सीने में गोली मार ली, जिसके बाद युवक को गंभीर हालत में इलाज के लिए कानपुर रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार सिरफिरे आशिक द्वारा खुद को गोली मारे जाने का यह मामला मुस्करा थाना क्षेत्र के गहरौली गांव का है। इस मामले में युवती पक्ष के लोगों ने बताया कि युवक बीती रात घर में घुस आया था और युवती से मिलने की जिद पर अड़ा था, लेकिन जब उसे जाने नहीं दिया गया तो उसने खुद को गोली मार ली। वहीं युवक के चाचा अनिल कुमार ने बताया कि उनके भतीजे को गोली लगी थी, जिसे कानपुर के अस्पताल में रेफर किया गया है। सूचना पर मुस्करा थाना की पुलिस ने गहरौली गांव जाकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हम मतलब यहाँ शादी में थे, तो हमको पता चला कि वहाँ फेर लग गया है हमारे आशिक को, तो तुरंत हम गाड़ी लेकर के गए और वहाँ हमने देखा तो रास्ते में पड़ा था, तो गाड़ी में रख करके मुस्करा ले गए और मुस्करा से जिला अस्पताल हमीरपुर को रेफर कर दिया, हमीरपुर से कानपुर को कर दिया, कानपुर में। इस समय कौन था आशिक आपका? आपका भतीजा था हमारा। गाजियाबाद के खोड़ा में मंगलवार सुबह उस वक्त हड़कंप और अफरा तफरी मच गई जब एक घर में सिलेंडर फट गया।
जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गैस रिसाव के चलते एक मकान में जोरदार धमाका हुआ जिसमें 2 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। पड़ोसियों ने बताया कि आज सुबह जैसे ही धनंजय की बीवी रसोई में चाय बनाने के लिए पहुंची, LPG गैस चालू करते ही एक गैस का गुब्बारा बन गया और उसी के चलते एक जोरदार धमाका हो गया। आनंद फानन में पड़ोसी मौके पर पहुंचे तो देखा कि धनंजय, उसकी पत्नी और घर पर आए बहनोई के साथ 2 बच्चे घायल अवस्था में पड़े हैं। वहीं पड़ोसियों ने घायलों को दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराया है। पड़ोसी के मुताबिक धनंजय और अन्य एक व्यक्ति और गंभीर रूप से घायल है, वह लगभग 80% आग में झुलसे हुए हैं। वंदना एनक्लेव के अंतर्गत बिहारी कॉलोनी में, जो कि थाना खोड़ा के अंतर्गत पड़ता है, वहां पर एक सिलेंडर फटने की सूचना प्राप्त होती है। सूचना मिलते ही तत्काल खोड़ा पुलिस मौके पर आती है, जहां पर पूरी घटना इस प्रकार है कि यहाँ धनंजय सिंह नामक व्यक्ति अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। सुबह इनकी पत्नी चाय बनाने के लिए उठती हैं और ज्यों ही उन्होंने सिलेंडर का स्विच ऑन किया, वहाँ पे पहले से गैस रिसाव होने के कारण एक विस्फोट की घटना कारित हुई है, जिसमें कुल धनंजय सिंह के परिवार के 4 लोग घायल हुए हैं, जिसमें धनंजय सिंह, उनकी पत्नी, उनके बहनोई राकेश सिंह और उनका एक 9 साल का बच्चा। घायलों को तत्काल सफदरजंग हॉस्पिटल भर्ती कराया जा चुका है। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। FSO साहब भी मौके पे हैं, फायर टीम भी मौके पे है, आगे की जानकारी की जा रही है। अचानक बहुत तेज आवाज हुआ, हम लोग डर गए, बाहर निकले तो शोर मचा रहे थे, बहुत ज्यादा शोर हो रहा था। सब लोग वहाँ गए, जाके देखे तो घायल आदमी पड़ा हुआ था, घायल को निकाला, सब जला हुआ था, सब में आग लगा हुआ था, बुझा रहे थे पानी मार मार के। किस तरीके से आग लगी, क्या कारण बताया जा रहा है इसका? इसमें सिलेंडर के लिए, गैस सिलेंडर के लिए बता रहे थे, गैस सिलेंडर लीकेज हो गया। खबर बदायूं से है, जहां पर ऑल जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष राजन पाठक ने पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य पत्रकारों पर हो रहे उत्पीड़न और उन पर लिखे जा रहे फर्जी मुकदमों को लेकर था। क्योंकि पत्रकार एक ऐसा स्तंभ है जो कि सच्चाई को दिखाता है, जिसकी सच्चाई को दिखाने के बाद कुछ लोग उस पर फर्जी मुकदमे लिखाकर उसकी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। इसी के संबंध में ऑल जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव शशांक शर्मा ने कहा कि पत्रकारों पर किसी प्रकार का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। ऑल जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन हमेशा पत्रकारों के हित के लिए सदैव मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। साथ ही जिला अध्यक्ष राजन पाठक ने पत्रकारों को एकजुट होकर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन से आज जनपद बदायूं में जनपद की कार्यकारिणी की बैठक हुई और उसमें सभी को पदभार दिया गया है, और जो हमारा संगठन है पत्रकारों के लिए एनी टाइम हर वक्त संघर्षशील रहता है और उनके लिए कार्य करता है कि पत्रकारों पर जो उत्पीड़न हो रहा है उसी पर हमारा संगठन काम कर रहा है। राष्ट्रीय महासचिव जी, ये जानना चाहूंगा जो कार्यक्रम हुआ है पत्रकारों के हितार्थ, इस कार्यक्रम का मोटो क्या था और किस कैसे आयोजित किया गया? मोटो ये जो हमारे मंडल प्रभारी विजयवीर तोमर जी के उसमें सानिध्य में कार्यक्रम रखा गया, और इस कार्यक्रम में बदायूं जनपद की जो कार्यकारिणी हमने घोषित की है, कार्यकारिणी घोषित की और पदों को वितरण किया, साथ में अपने संगठन 2024 के चुनाव से पहले यूपी में सियासी पारा हाई है और विपक्ष इन दिनों मुद्दों को लेकर सरकार को बार बार कटघरे में खड़े किए हुए है। जहां औरैया जिले में कुछ महीने पहले एक शिक्षक की पिटाई से दलित छात्र की इलाज के दौरान मौत हुई, जिसके बाद प्रशासन और शासन की मदद से पीड़ित परिवार को 3 लाख का राहत चेक दिया था, लेकिन चेक बाउंस हो गया, जिसको लेकर सपा मुखिया ने एक ट्वीट कर इस बात का खुलासा किया है, तो यह चर्चा का विषय बन गया। बात मुख्यमंत्री तक पहुंची तो एक बार फिर इटावा सांसद रामशंकर कठेरिया ने पीड़ित परिजन को उस 3 लाख की राहत राशि को दिया गया और सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा घिनौनी राजनीति ना करे, बीजेपी सरकार सबके लिए है, सबके विकास के लिए है। देखिए, उस दिन जब वहां पे गांव में थी, सारे अधिकारी लोग थे, तो उनको विश्वास दिलाने के लिए उनके जो चाचा थे उनको ये कहा गया था कि जो धाराएं लगी हैं उसके अनुरूप समाज कल्याण विभाग जो है अनुसूचित जाति अत्याचार उत्पीड़न अधिनियम के तहत जो धनराशि देता है उसमें जो भी मैक्सिमम देता होगी वो आपके खाते में जाएगी, सीधे डायरेक्ट खाते में जाती है आजकल। लेकिन उनके विश्वास दिलाने के लिए एक चेक उनको दिया गया था और चाचा से उनके बात हुई थी कि जब आपके खाते में चला जाएगा आप ये चेक धनराशि वापस कर देंगे, चेक वापस कर दें। बाद में जब वो मुख्य धारा जो थी 304 वो हट गई, विवेचना सही नहीं पाएगी और मृत्यु का कारण केवल साधारण वो लीवर के जो कस्बा है औरैया जनपद में
उसमें नवंबर के महीने में यानी सितंबर के महीने में एक शिक्षक के द्वारा, और यह छात्र बीमार था और उसको कई किडनी वगैरह की प्रॉब्लम थी, तो उसके कारण ये आरोप लगा था कि शिक्षक के पीटने से उसकी मृत्यु हो गई और उसके कारण काफ़ी बवाल हुआ। लेकिन तत्काल सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से वहाँ पूरी तरह से जो है सतर्कता बरती गई और वहाँ पर जो है उनको, उस पीड़ित परिवार को। औरैया में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान एक शातिर बदमाश को पैर में गोली लग गई। पुलिस के अनुसार घायल बदमाश इससे पहले भी कन्नौज जा चुका है। बदमाशों के पास लगभग 35 किलो गांजा समेत एक तमंचा, एक खाली खोखा, एक जिंदा कारतूस और स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की गई है। ये मुठभेड़ बेला थाना क्षेत्र के गैली मोड़ के पास हुई। उत्तर प्रदेश के अमरोहा नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने कार्य में लापरवाही करने के आरोप में 2 सफाई कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, जिसके बाद सफाई कर्मचारियों में खलबली मची है। बता दें कि नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने कहा कि इलाके में साफ सफाई रखने के उद्देश्य से सफाई कर्मचारियों की तैनाती की गई है, लेकिन जो लोग इसमें लापरवाही बरतते हुए इसके खिलाफ ऐसे ही कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा सफाई का कार्य सुबह 5 बजे से 9 बजे तक किया जाता है, शाम को 2 बजे से 5 बजे तक किया जाता है। उसी क्रम में शिकायत मिली थी कि कुछ बेकलाक कर्मचारियों के द्वारा काम नहीं किया जा रहा है, जिसको दस्तखत रखते हुए मेरे द्वारा पिछले 2 दिनों में लगातार जो वाहन चालक हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो सफाई नायक हैं, उनके साथ लगातार बैठक की गई और उसमें वो कुछ बातें निकल के आई थी कि लोग अपने प्रतिस्थानी से काम करा रहे हैं, वो आ नहीं रहे। तो उसके क्रम में एक औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें 2 कर्मचारी, एक हमारा कर्मचारी अनीश बैकला कर्मचारी है, दूसरा ओम प्रकाश है, इन दोनों कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा अंबेडकर नगर में एक वकील की पुरानी रंजिश को लेकर गांव के पाटीदारों ने उनकी माता को बुरी तरीके से पीटा, जिसका इलाज लखनऊ ट्रामा सेंटर में चल रहा है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि दिए गए तहरीर को पुलिस ने बदलकर अपने मुताबिक लिखवा दिया है। दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसको लेकर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं का गुस्सा फूटा। DM सैमुअल पॉल ने वकील के ज्ञापन को लिया और कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। आगरा में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने 3 वाहन चोर और एक चोरी का माल खरीदने वाले मिस्त्री को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से 9 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी बरामद की गई है। थाना प्रभारी निरीक्षक सिकंदरा आनंद कुमार शाही के नेतृत्व में कार्रवाई हुई है। टीम में SI आशीष त्यागी, नीरज पाल और रविन्द्र कुमार शामिल है। हरदोई में बिलग्राम इलाके में वैलेंटाइन डे पर एक आशिक ने अनोखे कारनामे को अंजाम दिया। यहां शादीशुदा प्रेमिका से मिलने की चाहत लिए हुए वैलेंटाइन डे वाले दिन हाथ में चाकू लेकर उसके घर पर पहुंच गया और वहीं पर जहर खा लिया। पुलिस ने उसे CHC में भर्ती कराया है। पूरा मामला कोतवाली शहर के ततियौरा गाँव का है। क्षेत्राधिकारी बघौली विकास जायसवाल ने बताया कि मामले में जाँच की जा रही है। वाली शहर के ततेरा गांव का रहने वाला व्यक्ति बिलग्राम में किसी से मिलने गया है। इस दौरान उसने कुछ जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। पुलिस ने तत्काल उसको उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा है। प्रथम दृष्टया जानकारी पर पाया गया है कि इस प्रेम प्रसंग से संबंधित मामला है, इसमें अलग से विधिक कार्रवाई की जाएगी। ठीक।
हरदोई में प्रेमी के मरने के बाद प्रेमिका ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पहले प्रेमी ने और उसके अगले ही दिन प्रेमिका ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वैलेंटाइन डे वाले दिन ऐसा हुआ तो सुनने वाले हैरान रह गए। ये घटना मधौगंज थाने के ग्राम इस्लामपुर जगाई की है, जहां पर युवक का शव बाग के पेड़ से लटका हुआ मिला था। उसके दूसरे दिन एक लड़की का शव लटका हुआ मिला। घटना की छानबीन के लिए पुलिस मौके पर पहुंचकर लोगों से पूछताछ कर रही है। युवक ने आत्महत्या की थी, आज एक युवती ने आत्महत्या कर ली है। दोनों के बीच क्या संबंध था और क्या इस पूरे मामले में जानकारी? माधवगंज के एक तपनौर गांव में एक बच्ची ने फांसी से लटक कर आत्महत्या कर ली है। इससे पूर्व एक लड़के ने भी आत्महत्या कर ली थी। इसके संबंध में जांच की जा रही है। हालांकि परिजनों द्वारा ऐसी कोई तहरीर नहीं दी गई है, न किसी पर आरोप लगाया गया है। इनका पंचायतनामा कराकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। जो भी इसमें विधि कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी। संबल में युवक के घर के पास खेत पर बनी दीवार को लेकर पड़ोसी से कहा सुनी हो गई, जिसके शिकायत पीड़ित युवक ने पुलिस से की, जिसके बाद युवक को पुलिस थाने ले गई, जिस पर युवक ने अपने परिवार के साथ मिलकर वीरपाल के खेत पर बनी दीवार को गिराना शुरू कर दिया। पड़ोसी युवक और उसके परिजनों ने वीरपाल की पत्नी को पीटा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दो तीन दिन पहले मट्टी निकाली जरमे से डंडा के, हमने मना करी तो मान लो तैरी बताई। तैरी देने के बाद मुझे बोले कि अरे का हमारे लठ में जाकर डंडा कमजोर होता वो जाता थाने में तैरी देन, हमारे तो लठ बहुत रहे, हम जो का तैरी देन चौं जाएंगे। तो हमने तैरी दाई, तैरी देने के बाद में पुलिस वाले आए, हाँ वो इनके एक लड़का ऊपर करके ले गए। फिर जो का सुबह ही एक घंटा अंधेरे थे, इनकी पुतबहू, इनकी दो लड़की, एक इनकी घरवाली और तीन दोनों बाप पुतिये, अच्छा एक मंगली, एक अजब सिंह, एक मोहरदेई, एक मालती, एक हद्देई, इन्होंने सगने डंडा खसाओ। जब तक दिन फैल हुआ तब तक मान लो सगने खसा हुआ, दिन फैल गया तो मंगली और अजब सिंह एक अलंक हट गए। थाने वालों ने मान लो देखने आए, वो मुहानो करके ले गए। करने के बाद में मान लो उन्होंने मान लो कार्रवाई कर रहे हैं, जो भी कुछ होगा वो अब अकेला पता पड़ेगा क्या होगा। खबर रायबरेली से है, जहां पर पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं है। दरअसल युवक नशे का लती है, जिसके कारण पति पत्नी में रोज मारपीट होता है। पति पत्नी के झगड़ा में एक सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गई। पीड़ित की तहरीर के आधार पर बछरावा थाने में मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका था। थाना अध्यक्ष ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।